आज की वीडियो है मेरी एक आईलाइनर। और फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि कौन सा आईलाइनर अच्छा है। यहाँ पर मैंने तीन तरह के आईलाइनर लिए हैं और आप मार्केट जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है आपको कौन सा परचेज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। एकदम ऐसा लगता है कि हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देखोगे और इससे जानकारी लोगे तो आपको आगे सब पता चल जाएगा कि हमें कितने पैसे का लेना है और ये कितने का है और इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ये है मेरे पास मैट लुक का जेट ब्लैक आईलाइनर पेन। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है, गोल्डन ब्लैक कलर में है और हार्ड कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में है। यहाँ पर इसके बारे में वाटरप्रूफ एंटी स्मच फार्मूला है, 24 घंटे ये लगा रहेगा और लिमिटलेस आईलाइनर पेन है ये। यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल भी दी है और प्राइस भी दिया गया है, 225 दिया है। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे एक बिल्कुल पेन जैसा, जो हम लोग पहले पेन जो इंक डालकर पेन यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसकी पैकेजिंग है, जो कि थोड़े से कॉस्टली आते थे तो इसकी वैसे ही पैकेजिंग है। और इसको जब खोलते हैं तो इसकी जो टिप है वो भी आप देख सकते हैं पेन जैसी है, काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव लुक है इसका काफ़ी और देखने में अच्छा लग रहा है। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि ये जो क्लेम करता है वो कैसा है। तो काफ़ी कलर भी इसका काफ़ी डार्क है, अभी मैंने इसको बस जस्ट खोलकर ही ओपन करके ही इसको यूज़ किया है। थोड़ा सा पतला है, क्योंकि पतला है तो कोई बात नहीं है, ये अभी थोड़े इसमें 2-4 बार हवा लगेगी तो ये एकदम और सूख जाता है, जल्दी सूखता है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। अब सूखने के बाद आप देखेंगे कि ये ड्राई हो गया है और बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है, जैसे कि ये क्लेम कर रहा है कि स्मच प्रूफ है। चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा आईलाइनर। ये है मेरे पास फ्लोरल आईलाइनर पेन, मार्स का है ये और इसमें काफ़ी सारे और भी शेड्स हैं। 36 आवर का ये हमें क्लेम कर रहा है प्रोडक्ट। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं बस ऐसे ही है, इसकी जो टिप है वो आप देखिए और आईलाइनर है उन्हीं की तरह है। तो अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि ये कैसा है। यूज़ करने के बाद आप देखेंगे इसकी टिप काफ़ी अच्छी है और एकदम पतला बारीक सा आईलाइनर लग सकता है। और इसकी प्राइस तीनों की मुझे याद नहीं है, मैं आपको लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं ऑनलाइन लिंक भी दे दूँगी। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा ही छूने से इसका ये स्मच प्रूफ नहीं है। ये है मेरे पास वाटर प्रूफ आईलाइनर, 36 आवर का क्लेम कर रहा है और ये यानकीना का है लिक्विड आईलाइनर पेन है ये सारे। और इसको हम देख सकते हैं एकदम ब्लैक कलर है इसका, 100% ब्लैक है ये कह रहा है। और इसकी इस टाइप की पैकेजिंग होती है, उसको हम ओपन करते हैं और अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप का है इसका। तो चलिए ओपन करने के बाद देख लेते हैं। तो ये देखिए इसको ओपन करने के बाद इसका जो टिप है वो वैसी ही है जो अभी हमने फ्लोरल जो आईलाइनर देखा था मार्स का, वैसे ही। लेकिन इसमें जो कलर है आप देखिए बहुत लाइट है इसका कलर, जो ब्लैक है लेकिन उतना नहीं है और थोड़ा सा पतला भी कलर है, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन ये इन तीनों में सबसे सस्ता है तो आप इसको ले तो सकते हैं लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। चलिए इसका वाटरप्रूफ टेस्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों सूख गए हैं लगभग, अब हम इसको वाटरप्रूफ टेस्ट करते हैं। तो चलिए पानी डालते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा स्प्रे पानी डालते हैं हम। तो वाटर डालने के बाद आप देखेंगे कि इसका कौन सा हाल होता है, कौन सा किसका कैसा हाल होता है। तो ये देखिए अब मैं इसको साफ़ करती हूँ, सिर्फ मैंने उंगली से टच किया है और तीनों को टच कर रही हूँ। ये देखिए 2-3 दिन बाद में ही ये जो बीच वाला था फ्लोरल जो था आईलाइनर मार्स का बिल्कुल गायब हो गया है ये वाला। इसका मतलब आप इसको तो बिल्कुल भी ना ख़रीदें, आंखें बंद कर आप अगर मार्केट में आईलाइनर लेने जाते हैं तो आप मैट लुक का ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरल वाला बिल्कुल भी ना ख़रीदें क्योंकि ये आपके बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला है। आईलाइनर ऐसा होना चाहिए जो आपकी आंखों पर लग जाए, कलर उसका एकदम ब्लैक होना चाहिए
और जो काफ़ी टाइम तक लगा रहे और वाटरप्रूफ रहे, स्मज प्रूफ रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर।